नमस्कार दोस्तों, मैं नील, आप सभी को स्वागत है टेक्निकली लूडुप चैनल में। दिया दोस्तों, आज का जो यहाँ पे मैं वीडियो करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको सच्ची बताने वाला हूँ। मेरा साथ अभी अभी नया नया होके आया है, एक दिन या दो दिन हो गया है, तो मैं थोड़ा पूजा को लेके मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिजी था, उसके लिए मैं वीडियो नहीं कर पाया था, उसके लिए आज मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे तो पहली बात है, मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे इतना स्कैमर्स हो गया है कि अब कभी भी जब भी कुछ होए तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप IMO को यूज करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि IMO में आपको एक कॉल आएगा। मैं आपको दिखा दूंगा एकदम एंड में। मैंने देखिए, IMO में कुछ चीजें हैं कि मैं वीडियो कॉल तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे मेरा जो वॉइस रिकॉर्डर है उसको ऑन करके मैं कुछ भी जितना भी हो सके मैं करा हूँ। मैं मुझे को नहीं पता कि आपको पूरा ठीक सारा से सुनाई देगा या नहीं देगा। अगर वहाँ पे वॉइस कॉल रिकॉर्ड होता तो मैं जरूर करता, मगर मेरा वहाँ पे कॉल तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और वो लोग IMO में बेसिकली कॉल करता है क्योंकि यहाँ पे नेट से कॉल आता है और यहाँ पे कोई भी बैक एंड में कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि कॉल कहाँ से आया है या नंबर क्या है, कुछ भी वगैरह वगैरह, अगर आपका कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है तो। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, वो लोग आपको फोन करेगा, फोन करने के साथ ही साथ आपको बताएगा कि सर आपने 25 लाख अमाउंट जीत लिया। अगर भाई 25 लाख अगर मैं जीत ही जाता है SBI वालों से तो काहे में यहाँ पे रहता ना। SBI से आपको कॉल करेगा, SBI वो लोग SBI में जॉब करता है, वो आपको कहेगा, वो लोग फोन करेगा आपको, आपको समझाएगा कि सर आपने इतना अमाउंट जीत लिया है, इतना कुछ जीत लिया, तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और आपको उस कोड को हमें बताना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत दिन पहले एक हैकर्स का टीम लॉन्च हुआ था, मेरे को नहीं पता वो लोग है या नहीं है, मेरे को ये नहीं पता, मगर इतना मेरे को पता है अगर मैं मेरा अकाउंट में जो जो जितना भी पैसा है अगर OTP मेरे पास आए और मैं उसको OTP बता दूँ तो मेरा सिम लगभग 10 से 15 मिनट तक पूरा ऑफ हो जाएगा, मेरा जो सिम कार्ड है। वो लोग सिम को ही हैक कर लेते हैं, ठीक है। क्यों हैक करता है, क्योंकि वहाँ पे जब वो लोग इसको हैक करेगा, हैक करने के बाद जब OTP हम उसको देंगे, OTP देने के बाद जो पैसा विड्रॉ करेंगे, हम लोगों के पास एक मैसेज शो होगा, वो मैसेज हम लोगों के पास नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो लोग अकाउंट को मतलब पूरा सिम को अपने हाथ में लेते हैं, 10 से 15 मिनट तक मैसेज आता है, मैसेज को डिलीट करते हैं, हमको अकाउंट देते हैं। अभी हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो हम लोगों को नहीं पता चलता है कि पैसा कहाँ से विड्रॉल हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप बैंक वाले तो आपको डिटेल्स देके बता ही देगा कि आपने विड्रॉल किया है, क्योंकि आपसे अकाउंट आपका अकाउंट से वो लोग पैसा को विड्रॉल करता है। अभी यहाँ पे चिंता का जो बात है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहा है, देखिए क्यों ऐसा कर रहा है, एकदम सीधी सी बात है, इन लोगों को, ये लोग चोर है, एकदम एक तरह से ये लोग पूरा से चोर है। अभी जो यहाँ पे सबसे पहली बात आता है, यहाँ पे अभी हम लोग इसको कैसे करके बंद करेंगे, इस इन जो लोगों है इसको तो आप पुलिस के हवाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका तो कोई डिटेल्स नहीं रहेगा ना। ये लोग ब्राउजर्स को यूज करते हैं, टॉर को यूज करते हैं, बहुत सारे एक साथ VPN को कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट सर्व करते हैं और उसके बाद आपको कॉल करते हैं। तो अगर आपने एक भी IP को ट्रेस कर लिया तो आप कभी भी इसके पास या इन लोगों के पास नहीं जा पाएंगे। जब भी आप जाएंगे कोई और कंट्री, कोई और स्टेट, यहाँ तक जंप करता रहेगा। आपको शायद टॉर के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो आप जाके देखिए मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करिए, वहाँ पे टॉर के बारे में मैंने बता के रखा है, ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने करके रखा है टॉर के ऊपर, कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें, कैसे VPN काम करता है, कैसे आपका IP को कैसे आप हाइड रहेंगे कर देंगे, कैसे आप एनोनिमस रहेंगे, सारी चीज़ें मैंने पूरा डिटेल वीडियो करके रखा है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अभी जो मेरे पास यह बात है कि वो लोग मेरे को जब फ़ोन किया यार रात के 11 या 12 मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, मतलब 9 क्रॉस हो गया था, 9 बजे तक कोई भी SBI वाले जॉब नहीं करते। देखिए सबसे पहले तो बैंक बंद होता है या क्लोज होता है 4 बजे, 4 बजे के बाद 7 या 7:30 को वो लोग पूरा जो अमाउंट वहाँ पे जो रेशियो जनरेट होता है सुबह से लेकर शाम तक जितना भी उन लोगों ने काम किया उसका पूरा एक डिटेल हिसाब करते हैं और वो लोग वहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, फिर जाके बैंक वाले जो कि है वो निकालते हैं, मैनेजर जो कि निकालता है 7 या 7:30 के बाद। कोई भी बैंक एम्प्लॉय बैंक में नहीं रहता है, बैंक में कोई नाइट शिफ्ट नहीं होता है। सबसे तो पहली बात है, बैंक में कोई नाइट शिफ्ट नहीं होता है। वो लोग मेरे को बता रहा था कि मेरा नाइट शिफ्ट है। मैंने जब उसको कॉल करने के बाद वो लोग जब मेरे से बात कर रहा था, मैंने उनको बस एक क्वेश्चन किया, सर अगर आपने SBI से फ़ोन किया है तो रात की इतना देरी को तो कोई SBI खुला नहीं रहता है। वो मेरे को सर हम लोग का नाइट शिफ्ट है ना, तो मैंने उन लोगों का कि खैरियत कोई बात नहीं है, नाइट शिफ्ट तो नहीं होता है, मगर आप जब कह रहे हैं तो हो ही सकता है, कोई बात नहीं।
बार बार मेरे को बता रहा था कि आप ओटीपी बताया, ओटीपी बताया। मैंने क्या किया, मैंने 2-3 बार मेरे पास ओटीपी आया मगर मैंने उन लोगों को नहीं बताया। उसके बाद मैंने लास्ट में गलत बता दिया, एकदम गलत। मैं उन लोगों को बहुत सारे बात करवाने के लिए कोशिश कर रहा था, लास्ट में एकदम अंत में उन लोग मेरे को गाली दे के फोन काट दिया, क्योंकि मेरा से जो डिटेल्स उन लोगों को चाहिए था वो नहीं मिला। और उन लोगों को पता चल गया था कि मैं उनके साथ रो फ्रॉड है, तो मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हाई हूँ, स्पीड अप कर चुका हूँ, मेरे को पता है स्कैम हो रहा है। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी फोन आता है, अगर आपको कोई भी बैंक का डिटेल्स कहता है, आप इन लोगों से ज्यादा बात मत करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जाके कहाँ से आप हैक हो जाएंगे, कब आपके फोन में कुकीज इंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि आपने इथिकल हैकिंग या नेटवर्क फील्ड से रिलेटेड कुछ भी चैप्टर को अभी नहीं क्लियर किया है, या अभी तक उन सारे चीजों को आपको नहीं पता है। तो SBI से अगर कोई भी फोन आता है, तो देखिए, सबसे तो पहली बात है कि SBI कभी आपको फोन नहीं करेगा, एक बात है। दूसरी जो बात है, अगर आपने कोई अमाउंट है कुछ भी कभी भी जीतता अगर कहता है, तो एक डाउट में दूसरा क्लियर कर दो, कभी भी आप SBI से कुछ नहीं जीत सकते। तीसरी बात है कि वो आपको कभी भी फोन नहीं करेगा, कोई अमाउंट आपने जीत लिया कुछ भी, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि SBI वाले आपको ऐसे बैंक ओपन नहीं किया कि आपको कोई अमाउंट देगा या आपने जीत लिया है कुछ, क्योंकि वो तो देवलिया हो जाएगा ना, सबसे तो पहली बात है। तीसरी जो बात मैंने बताया, और लास्ट जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कि कभी भी यार, कभी भी SBI वालों आपसे फोन पे नहीं बात करेगा यार। फोन पे कोई नहीं बात करता है SBI के लोग, क्योंकि उन लोगों का अकाउंट है, मैनेजर वहां पे, सर्वर वहां पे, सर्वर डेडिकेटेड सर्वर है, कि वो लोग आपसे वहां पे फोन पे बात करेंगे। वो आपको फोन करके बता सकते हैं कि आप मेरे पास आओ, बैंक पे आओ, आपसे कुछ काम है। बैंक में वहां पे आप जब जाएंगे, मैनेजर आपके साथ सारी चीजें बात करेगा। और उन लोगों को ऐसे पर्सनल डेडिकेटेड टेलीकॉलर ऐसा कि नहीं होता है कि जो आपसे फोन करके बताए कि आपने अमाउंट जीत लिया, ऐसे कुछ ले, तो यहाँ पे स्कैम हो रहा आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात एक कहना चाहूंगा लास्ट में, कभी भी कोई भी OTP अगर आपके पास आता है, तो OTP किसी के साथ मत शेयर करना। हाँ, वो आपको फोन करके कहेगा, सर आप कौन से बैंक में अकाउंट यूज करते हैं। अगर SBI से फोन करता है तो उसको तो पता चल ही जाएगा ना कि आप SBI यूज करते हैं। बेसिकली लगभग इंडिया में सारे लोग SBI यूज करते हैं, वेस्ट बंगाल में तो सारे लोग यूज करते हैं SBI को, इसलिए स्कैम्स वेस्ट बंगाल में ज्यादा हो रहा है। कोलकाता या वेस्ट बंगाल का जितना भी जगह है वहाँ पे मैं तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मगर मेरा वीडियो को शेयर होना चाहिए, सारे लोगों को पता चलना चाहिए। प्लीज़ यार, आपके हाथ में आपका सिक्योरिटी, ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपका सारे अकाउंट नील हो जाएगा। बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलता हूँ। हाँ, फॉल्स सुन के जाइएगा। गुड बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट सारी चीज़ें कर दीजिएगा। बाय। लाख मिला है आपको, 25 लाख। अभी मैं आपको पूरा जानकारी देती हूँ, अभी कॉल आएगा, वो 6 नंबर बताएगी आपको इंग्लिश में, वो नोट करवाना है, ठीक है? हाँ, कोड लिख लिया है आपने? आपके पास कोई दूसरा नंबर है आपके पास? हेलो हेलो, हाँ क्या कोड है? हाँ बोलो, ठीक है अभी आप, हाँ उसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है? हाँ 1 2, हाँ आगे, अरे 6 नंबरों का कोड है सर, 6 नंबरों का कोड है। इसको ओपन करो, मैसेज को ओपन करो। आप शुरू से बताइए क्या कोड है। हाँ अरे गलत कोड बता रहे हो सर, गलत कोड बता रहे हो आप। कोई दूसरा मैसेज नहीं है आपके पास? चेक करो, दूसरा मैसेज भी होगा। क्या कोड है उसके अंदर? कितना? 4432। हेलो, क्या कोड है? अरे भी आपके पास कॉल आएगा, कंप्यूटर का कॉल आएगा, लेडीज ऑफिसर का, वो 6 नंबर बताएगी, वो लिख लें, ठीक है? मैसेज नहीं आएगा, अभी कॉल आएगा। अरे देखो, मैसेज पे 7 घंटे लग गए, 7 घंटों के बाद मैसेज आएगा। अभी ना कॉल आएगा, वो 6 नंबर बताएगी, वो लिख लेना है, ठीक है? ठीक है, अभी कॉल आएगा कंप्यूटर का, वो 6 नंबर बताएगी, वो लिख लेना है, ठीक है? अरे कोड बताओगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा, ऐसी कैसे आपको जानकारी दे दूं? कोड बताओगे तो आपको पूरा जानकारी दूंगी ना। कुत्ती के बच्चे काल कट कर, कुत्ती के बच्चे।